आज है दस्तरखान में आप सबका इस्तकबाल है। आज मैं अपने दस्तरखान में चिकन रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए हमने 800 ग्राम चिकन लिया है और आधा किलो प्याज। इसको मैरिनेशन के लिए हमने कुछ मसाले लिए हैं जो इस तरह से हैं: 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने नमक लिया है, लाल मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही पिसा हुआ ज़ीरा है। और इसमें ये 4 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, फ्रेश है, और इसमें 4 टेबल स्पून विनेगर है वाइट सिरका। इसकी जगह हम दूसरा सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, बस ये है कि इससे थोड़ा कलर चेंज हो आता है, तो इसलिए हमने वाइट विनेगर को प्रेफरेंस दिया है। और इसमें 250 ग्राम ही दही पड़ेगा, 3 हरी मिर्च कटी हुई बारीक और थोड़ा सा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। इनको मैरिनेट कर लेते हैं, प्याज का काम बाद में है इसलिए हम इसको साइड में रख देते हैं। ये देखिए, ये चिकन है, इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट है सब इसमें डाल देंगे, ये विनेगर है, दही जो हमने 250 ग्राम लिया था, मसाले लिए थे काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, मिर्च और ज़ीरा पाउडर, ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्पून की जगह हम इसका हाथ का इस्तेमाल करेंगे तो ये इसका मैरिनेशन अच्छी तरह से हो जाएगा और उसको मिक्स करने में आसानी होगी। ये हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, अब हम इसको आधे घंटे मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रखेंगे और इतनी देर में हम एक प्रेशर कुकर में प्याज को गला लेंगे। अब प्याज को गला लेते हैं। ये हमने 100 ग्राम मस्टर्ड ऑयल लिया है, वैसे तो आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल को थोड़ा सा हमें पकाना पड़ेगा पहले। सरसों के तेल को पकाना ज़रूरी होता है क्योंकि इसकी जो तेल का कच्चापन होता है वो चला जाता है। 3 से 4 मिनट में तेल हमारा पक जाएगा। चुका है, इसमें हम प्याज डाल देंगे। कर लेंगे, हमें बिल्कुल इसको ब्रश नहीं करना है, बस लाइट ब्राउन कलर करना है। जब लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें 1 कप पानी डाल के प्रेशर लगा देंगे। ये देखिए, प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी डालेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे जो कि हमारा प्याज गलने में मदद करेगा। कुकर के ढक्कन को हम बंद कर देंगे और हाई फ्लेम पर तकरीबन 2 सीटी लेंगे और लो फ्लेम पर 1 सीटी। आइए, 2 सीटी हो चुकी है, कुकर रख के देखते हैं। ये देखिए, तकरीबन हमारी प्याज गल चुकी है। ये देखिए, प्याज हमारी गल चुकी है, अब हम इसको हाई फ्लेम पर इसका सारा पानी सुखा लेंगे और हमें जब तक भूनना है जब तक कि सारा ऑयल सेपरेट ना हो जाए। इसका पानी सूखेगा, हम इसको दूसरे चूल्हे में ट्रांसफर कर देते हैं। पे हम कढ़ाई रख देते हैं और आधा घंटा भी हो चुका है तकरीबन, हमारा चिकन भी अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया होगा। अब हम इसे कढ़ाई में चिकन को डाल देते हैं
जब तक ये थोड़ा सा अपना पानी रिलीज करेगा और गलेगा, इससे हमारा टाइम भी बचत होगी। क्योंकि चिकन भी काफ़ी अपना पानी रिलीज़ करता है और दही का भी अपना काफ़ी पानी होता है, तो इसे गलने में और पानी सूखने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। दोनों काम हमने सोचा एक साथ हो जाएंगे। चिकन को हमें अपने हाई फ्लेम पर ही रखना है ताकि जल्द से जल्द इसका पानी रिलीज़ हो जाए, और साथ में हम अपने प्याज को ही भूनते रहेंगे। चिकन को हम खोलकर ही पकाएंगे ताकि इसका पानी जल्दी सूखे। ये हम हाई फ्लेम पे ही बना रहे हैं। इसे भूनते टाइम आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको लगता है, क्योंकि इसका नाम ही सिरका चिकन है, अगर आपको लगता है सिरका का फ्लेवर कुछ कम है तो आप इसमें भूनते टाइम थोड़ा सा सिरका ऐड कर सकते हैं। देखिए हमारी प्याज भूनने पर आ गई है। ये देखिए तकरीबन इसका पानी काफ़ी सूख चुका है, हम इसका फ्लेम लो कर देंगे। और ये देखिए हमारे प्याज से तेल भी सेपरेट हो चुका है, मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि हमारा कैमरा वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। ये देखिए ऑयल पूरी तरह से सेपरेट हो चुका है। अब हमें फ्लेम बंद करके ये सारा मसाला चिकन में ऐड कर देना है। क्योंकि हमें प्याज और मसाले को अब एक साथ भूनना है। चिकन या किसी भी मीट की खासियत होती है, जब वो बहुत अच्छी तरह से भुना होता है तभी उसके अंदर टेस्ट डेवलप होता है। ये देखिए हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे। ये देखिए पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन भी हमारा हल्का हल्का गल चुका है। चिकन के अकॉर्डिंग आप थोड़े से फ्लेम इसका हाई और लो कर सकते हैं, मीडियम से लो की तरफ। ये देखिए थोड़ा थोड़ा हमारा तेल सेपरेट हो गया है। ये देखिए हमारे चिकन, ये देखते हैं, देखिए ऑलमोस्ट हमारा सिरका चिकन तैयार है। ये देखिए पूरी तरह से ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और ये देखिए इसकी ये पहचान है। ये देखिए पूरी तरह से इसने पोटी हड्डी से अलग हो गई है, इसकी ये पहचान है और ये पूरी तरह से टेंडर हो चुका है। अब हम इसको, ये लीजिए हमारे सिरका चिकन तैयार हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, फ्लेम को बंद कर देते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इजाज़त दीजिए, मैं फिर हाज़िर होंगी इंशाल्लाह एक और रेसिपी के साथ। दुआओं की दरख्वास्त है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।